पूरा वो और ब्लर होगा। और बेटे दीजिए। ओके रेडी। चाकू से हमला के द्वारा मौत हो गया है। इसके लिए 2023 इंफेक्शन बाग पोजिशन लिमिट अंडर सेक्शन 302-109-201 34। पीछे जाके हिस्ट्री देखा गया तो बाबा शिंदे का अन इंटरटवेनिंग नाइट 12 और 13 सितंबर का बीच में 2:30 बजे सुबह 2:30 बजे को हमको इन्फॉर्मेशन आया कि एक राउडी शर्ट कंचनबाग पुलिस स्टेशन का लिमिट्स में शेख नज़ीर इसका ऊपर कुछ लोग आके हमला किया चाकू से बोल के हमको इन्फॉर्मेशन आया। तुरंत हमारा पेट्रोलिंग टीम और नाइट जोनल ऑफिसर उधर जाके पूरा उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल को लेके गया है। फिर भी वो शेख नज़ीर ने चाकू से हमला के द्वारा मौत हो गया है। उसके बाद एक केस रजिस्टर किया है 156/2023 इन कंचनबाग पुलिस स्टेशन लिमिट्स अंडर सेक्शन 302-109-201 34 एंड 120B ऑफ IPC। तो इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमको अभी तक 7 लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो आया है। इसमें मेन अक्यूज बाबा शिंदे A1 और A2 आकाश शिंदे बाप और बेटा है। इसका थोड़ा पीछे जाके हिस्ट्री देखा गया तो बाबा शिंदे का बच्चे विशाल शिंदे बोल के एक बंदा था। 2 साल पहले चित्रणा का PS में एक मर्डर केस रजिस्टर हुआ है। वो मर्डर केस में विशाल शिंदे को चित्रणा का से पिकअप करके किडनैप करके जहीराबाद जाके उधर मर्डर किया गया है। उस मर्डर केस में अभी जो डिसीज्ड है शेख नज़ीर और उसका गैंग का इन्वॉल्वमेंट था। सो उसी टाइम से इन दोनों के बीच में बाबा शिंदे और नज़ीर का गैंग इन दोनों का बीच में दुश्मनी चल रहा था। सो ये दुश्मनी में कभी कभी ये शेख नज़ीर ने ये बाबा शिंदे का और एक बेटा है आकाश शिंदे, ये आकाश शिंदे को भी इंस्टाग्राम में मैसेज भेजता था, टेक्स्ट मैसेज, हम आपका भाई को जैसा मारा आपको भी मारने के लिए मार सकते बोल के ऐसा डराता था। सो जब वैसा मैसेज आ रहा है और इसको देख के और विशाल बाबा शिंदे और आकाश शिंदे को भी लगा कि हम भी इसका रिवेंज लेना है, हमारे भाई को इन लोगों ने नज़र गैंग ने मारा है और बाबा शिंदे भी इसका बच्चे के लिए मार दिया, इसको भी रिवेंज करने के लिए एक प्लान कर रहा था। ये पूरा बैकग्राउंड लेके 2 महीने पहले आकाश शिंदे ने बाबा शिंदे का और एक बच्चा आकाश शिंदे ने 2 चाकू अमेजान से फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। शाह अब्दुल जब्बर जब्बर ने एक और एक चाकू लेके आया और प्रेम मने कैफ मैनुद्दीन अतर शेख आशम अली और 4 लोग ए बाबा शिंदे और आकाश शिंदे और 5 लोग पूरा 7 लोग मिलके एक कॉन्स्पिरेसी किया गया है। एक कॉन्स्पिरेसी में इसको शेख नज़ीर को मर्डर करके सेटल करना है, इसका रिवेंज को सेटल करना है बोल के सोचा है। सो ये प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए A4 प्रेम मने ने रेकी करने के लिए ऑर्डर दिया गया है बाबा शिंदे ने। सो उस दिन जो 12th and 13th का बीच में रात में ये A4 प्रेम मने रेकी किया गया है नज़ीर का घर के पास। सो उस टाइम नज़ीर ने बाहर उसका घर का बाहर एक ऑटो था, वो ऑटो में बैठ के फ़ोन चेक कर रहा था। उस टाइम में नरेश मने ने देख के इनको इन्फॉर्मेशन दिया है और बाकी लोग सैयद अब्दुल जब्बर कैफ मोइनुद्दीन अत्तर और शेख आशम अली इन लोगों ने पूरा एंट्री एग्जिट्स का
कैसे बाहर से लोग नहीं आने कैसे आने नहीं दे सकते वो पूरा चेक करके इन दोनों का मदद किया है। इसमें उस दिन A2, A3, A4 ये तीनों लोग जाके तीन चार चाकू लेके इसको मारा गया है। सो ये चाकू का घायल के वजह से शेख नज़ीर ने अंडरगोइंग ट्रीटमेंट मौत हो गया उसका। और ये A7 ने इसको कैसे ये एविडेंस को टैम्पर कर सकते हैं क्लीन कर सकते हैं उसको भी मदद किया गया है। सो उसके बाद हमने लगभग चार टीम फॉर्म करके विद द हेल्प ऑफ साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स अंडर इंस्पेक्टर चिट्टी गारू पूरा मिलके आज पूरा 7 लोगों में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसको गिरफ्तार करके तीन चाकू और 5 मोबाइल्स सीज किया गया है। ये पूरा मटेरियल के साथ और अक्यूज्ड को कोर्ट में पेशी करके उसको जुडिशियल रिमांड भेज रहे हैं। इस दौरान पर मैं सब मीडिया लोगों को और हमारा साउथ ईस्ट जोन का तमाम लोगों को और नौजवानों को सबको एक अपील कर रहे हैं, जो भी छोटा मोटा इश्यूज होता ही रहता है सोसाइटी में, ये छोटा छोटा इश्यूज में ये चाकू लेके हमला करना, नहीं तो ये घूर के देखा ऐसा छोटी छोटी चीज़ में एक दूसरे पर मार पीटना, ये पूरा बंद करना है। सिक्स पूरा देख गया है तो 20 साल 25 साल का बीच में है इन लोगों, अभी ये मर्डर केस में इन्वॉल्व हो गए तो पूरा ज़िंदगी भर इसका रोडी शीट चले जाएगा और जो भी क्राइम होगा उसको बुला के सस्पेक्ट करने का होता है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पब्लिक नॉट टू इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। ये नौजवान बच्चे जो है ये रात में इधर उधर घूमना बिना कारण से ये केसेस में ना आना और उसका करियर उसका लाइफ बर्बाद ना करे, क्योंकि एक बार एक केस हो गया, एक अभी 7 जन है और इसके पास जो भी लोग खड़ा होता है उसको पता नहीं होता है क्या क्या हो रहा है, फिर भी उसका नाम आ सकता है क्योंकि वो भी अकम्प्लिस होता है कभी कभी टाइम में। सो और एक वार्निंग है, दिस इज़ द लास्ट वार्निंग फॉर ऑल रोडी शीटर्स एंड ट्रबल मांगर्स। अभी तक हम लोगों ने अच्छे तरीके से बुला के बात करके आपका साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दिया गया है, इसके बाद जो पुलिस काउंसलिंग होगा वो पुलिस काउंसलिंग भी दे सकते हैं और जिसका सूटेबिलिटी है डिजर्विंग कैंडिडेट उसका ऊपर PD एक्ट और थर्ड पर करने के लिए भी हम कोशिश करेंगे। और रात भर अभी ऑपरेशन कार्डन वो भी कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे लिस्ट आया है, टास्क फोर्स के पास भी बहुत सारे लिस्ट है, ये लिस्ट का जो जो नाम है सबको पता है कौन तमाम लोगों को अवामी लोगों को डरा रहा है धमकी दे रहा है, इन पूरों का लिस्ट हमारे पास है। हम एक एक आदमी को लेके आके उसको काउंसलिंग करके और कानून के हिसाब से क्या क्या कर सकते हैं वो पूरा करके उसको पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस लेने के लिए हर एक सब कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। काफी यंगस्टर ऑनलाइन अभी हमारा IT साइबर सेल भी उसको लिख रहा है अमेजन और फ्लिपकार्ट के लिए, जो जब भी ऐसा जो आइटम है जिससे अटैक कर सकते हैं वैसा आइटम ना भेजो ऑनलाइन में, क्योंकि वो इस्तेमाल कहीं पर वो इलीगली इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो वेबसाइट से निकालने के लिए हमारा IT टीम ने एक लेटर्स भी लिखा गया है। सर एक पुलिस डिपार्टमेंट का नाम भी जो है जिसकी मदर ने स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि असलम नामकारी जो क्राइम का जो है कंचन बाग में जो ड्यूटी करते थे उनका नाम भी ले रहे हैं कि वो भी इस प्लान में शामिल है, क्राइम का जवान असलम।